किसान हमारा बिजली के कारण परेशान रहता है। ये ऐसा काम नहीं, क्योंकि पिछला काम करते तो उसका कुछ फायदा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, कांग्रेस जब आई थी तो 62,000 करोड़ रुपए का बिजली में घाटा था। हमने 62,000 करोड़ चुकाने का काम केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब हम दूसरी बार आए हैं तो इन्होंने कहा कि चुकाने वाले आ जाएंगे। इन्होंने 62 से बढ़ा करके बिजली में 90,000 करोड़ रुपए का घाटा, 90,000 करोड़ रुपए का घाटा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 90,000 करोड़ रुपए का तो घाटा ही है, और 3,000 रुपए का घाटा किस बात का है? 300 करोड़ रुपए का घाटा किस बात का है? 300 करोड़ रुपए का घाटा इस बात का है कि जो लोन लिया वो समय पे नहीं चुकाया। लोन चुकाया लेकिन समय पे नहीं चुकाया, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का घाटा इस कांग्रेस सरकार ने दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में, क्योंकि प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट में समय लगता है। आज जो माननीय अरुण जी भाई साहब कह रहे थे कि एक बड़ा एमओयू होने वाला है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र के मंत्री हमारे माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र के जिन मंत्रियों के पास में जाता हूं वो दिल खोल के कहते हैं, भजनलाल जी काम करिए, कोई चिंता मत करिए, हम आपके साथ बैठे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। आज हमारा कोल इंडिया की तरफ से, ऊर्जा विभाग की तरफ से 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एमओयू होने वाला है, कुछ ही देर बाद होने वाला है। इस राजस्थान के लिए, इस राजस्थान के इतिहास में आने वाले 2-2.5 वर्ष के बाद हमको किसी के पास बिजली के लिए जाना नहीं पड़ेगा, हमें किसी के पास हाथ फैला नहीं पड़ेगा। राजस्थान अपने आप में बिजली में आत्मनिर्भर होगा। जब बिजली में आत्मनिर्भर होगा तो हमारा उद्योग सभी से चलेंगे, हमारे किसान को बिजली दिन में मिलेगी, हमारे भाई को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मैं आपसे मित्रों यही कहना चाहता हूं, अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके बीच में जो हम संकल्प पत्र लेकर के गए हैं,